अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शिक्षा के साथ साथ हर चीज जरूरी होगी, और स्पोर्ट्स से लेकर सेल्फ डिफेंस हो या कोई भी हो, शिक्षा के साथ साथ सब कुछ जरूरी हो गया। जहाँ आजकल बेटा और बेटियों में कोई भी वो नहीं किया जा रहा, देखा जा रहा है कि बेटा हो या बेटियां हर शिक्षा के स्तर में हो या किसी भी स्तर में हो आजकल पीछे नहीं है। तो इसी को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पर जो बेटियां हैं हमारे देश की, उनको सेल्फ डिफेंस के यहाँ पर गुर सिखाए जा रहे हैं, आत्मरक्षा के गुर यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं हम इन देश की बेटियों से। क्या नाम है आपका? शीतल। बताएंगे आज आपको आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए हैं, तो किस तरह कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा, हम इनसे ऐसे सीख पाए हैं कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हम औरों की सहायता भी कर सकते हैं, हम इनके जरिए आगे भी बढ़ सकते हैं, हमने किसी से डरना भी नहीं है, हम सबका डटकर सामना करेंगे। थैंक यू। हमने सर से यह सीखा कि अगर कोई पीछे से वार करे तो हमारे पास जो भी हथियार हो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, अगर कोई उछेड़ने की कोशिश करे तो उससे किक भी मार सकते हैं। हमारे सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे किक और पंच, ये सब सिखाया है। बताइए बेटा, जो आज आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाया गया है तो किस तरह से आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं? हमारे पास जो भी सामान है हम उससे अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं, और अगर हम इसका सामना नहीं कर पाए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बताएंगे आज आपको सेल्फ डिफेंस के जो गुण सिखाए गए हैं, आत्मरक्षा आपने किस तरह से की जाए? हमें ये सीख कर बहुत अच्छा लगा, और इससे हम अपनी सहायता स्वयं कर सकते हैं, दूसरों की भी कर सकते हैं, इससे हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, और ये सीख कर हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ यहाँ पर राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक की जो प्रिंसिपल हैं वो भी मेरे साथ हैं यहाँ पर, जिन्होंने एक ऐसा प्रयास किया है कि जो बेटियाँ हैं आगे सेल्फ डिफेंस के गुर सीख सके और अपनी रक्षा कर सके। मैं बातचीत करूँगी अभी इनसे, जानना चाहेंगे कि क्या इन्होंने प्रयास किया है। नमस्कार, हमारी स्कूल की जो छात्राएं हैं इन्होंने लगातार 3-4 महीने तक सेल्फ डिफेंस का कोर्स किया है। इससे बच्चों में काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरे को देखने में लगा है कि ये आप कोई ऐसी समस्या आ जाए, कोई भी ऐसी परेशानी आ जाए तो ये अपनी खुद की भी रक्षा करने का इनमें विश्वास बढ़ा है, और किसी दूसरे की भी इनको मदद करनी पड़े, हेल्प करनी पड़े, रक्षा करनी पड़े तो उसमें भी ये ऐसा अब कर पाएंगी, और इनका आत्मविश्वास पहले से ज़्यादा बढ़ा है, और इससे इनकी पढ़ाई का जो स्तर है वो भी और बढ़ा है, और इनमें पढ़ने की इच्छा भी बढ़ी है। खेलों के साथ साथ जब हम पढ़ाई का मेल करते हैं तो दोनों में ही इनको फायदा होता है। अभी आपने प्रयास किया है बेटियों के लिए कि आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाए, आजकल शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स भी और सब कुछ जरूरी हो गया, तो आगे और भी इस तरह के क्या प्रयास रहेंगे? और भी हमारे आगे प्रयास रहेंगे कि हमारी बेटियाँ हर एक्टिविटी में, पढ़ाई के साथ साथ खेलों में, सेल्फ डिफेंस में और कल्चरल एक्टिविटीज में, हर एक्टिविटी में हिस्सा ले, आगे आए और अपना, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करें। मैम, ऐसा कि जो हमारे प्रधानाचार्य हैं इनके योगदान से हमारे स्कूलों में बेटियों को शिक्षा का, खेलों का आगे बढ़ावा मिला है, और नरेंद्र मोदी जी ने भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर हिंदुस्तान के अंदर क्लासें लागू की है सेल्फ डिफेंस की, बेटियाँ किसी के निर्भर ना रहे, और हमारे हरियाणा झज्जर जिले के अंदर भी हर स्कूलों के अंदर सेल्फ डिफेंस की क्लासें लगाई जा रही है, और हमारे प्रधानाचार्य को तो पहले से इन्होंने तो एक मांग की थी कि हमारे स्कूल को आगे बढ़ावा दिया जाए और बेटियों को आगे निकाला जाए, क्योंकि गांव का क्षेत्र है जो बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो इन बेटियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधानाचार्य ने पूरा योगदान सहयोग करा, सर्व शिक्षा अभियान से मांग भी की कि भी हमें कोच दिया जाए और हमारी बेटियों को आगे खेलों में निकाला जाए,
जो सेल्फ डिफेंस में सबसे आगे निकले ये, और अपनी सेफ्टी सुरक्षा हर बचाओ इनके एजुकेशन हिचक हर बैंड का खुल जाए। मैं तीन महीने से इनकी ट्रेनिंग रेगुलर चल रही है। हम इन बच्चियों को रेगुलर सुबह मॉर्निंग में ट्रेनिंग देते हैं और इन बच्चियों के अंदर इतना सेल्फ डिफेंस है और आगे हमारी ये बेटियां जो होने वाले खेल होंगे स्कूल गेम होंगे उनमें भी भाग लेंगी। हम मौजूद थे कबलाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में, जहां हमने बात की थी जो मार्शल आर्ट्स की यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चियों को। यहां पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी गई है। बच्चियों ने बताया कि उन्हें सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए गए हैं, जिससे कि वो आगे बढ़कर जीवन में अपनी रक्षा कर सकती हैं, अपने परिवार की हो या किसी की भी रक्षा वो कर सकती हैं। हमने यहाँ बातचीत की थी प्रिंसिपल से भी, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने प्रयास किया है कि बेटियां जो है शिक्षा के साथ साथ हर चीज में आगे बढ़े। वो तो एक अच्छा प्रयास किया है यहाँ के जो प्रिंसिपल है, और बेटियों ने भी खूब ट्रेनिंग यहाँ पर ली है। झज्जर के कबलाना से गौरव के साथ मैं संजना छाबड़ा, हरियाणा।